फ्रेंड्स, पियर्स की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चीकर। चीकर इसे कई जगहों पे खरबस भी बोलते हैं। ये जब गाय भैंस बच्चा देती है और उसके बाद जो ये गाढ़ा पीले कलर का जो दूध निकलता है 2 से 3 दिन के लिए, उसी को ये चीका बोलते हैं। तो चीका बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चीका लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, 1/2 लीटर लिया है। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पर मैंने इलायची कुटी हुई ली है और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सौंठ लिया है, आप अदरक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बादाम, कुछ कट करके ले लिया। यहाँ पे 2 टेबल स्पून नारियल लिया है घस के। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून काजू लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो है गुड़ लिया है। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चीका बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक हम बाउल लेंगे और इस तरह से कुछ छन्नी लेंगे हम, और ये जो दूध है इसको हम पहले छान लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम, काजू, गुड़। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और जो गुड़ मैंने डाला है, जब वो अच्छे से घुल जाए तब तक के लिए इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, और ये जो गुड़ मैंने डाला है वो घुल जाएगा इसके अंदर। गुड़ अच्छे से आप देख सकते हैं घुल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर जो मैंने कूट के रखा था। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नारियल जो मैंने घस के रखा था, और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मिक्स कर दिया है ड्राई फ्रूट्स को। अब इसके अंदर ये जो सोट है हम डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर मैंने ऑलरेडी स्टीमर रख दिया था क्योंकि अब हम स्टीम करेंगे, और यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हम एक प्लेट रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट रख दी है। उसके बाद जो ये चीका है इस तरह से हम डाल देंगे, ये देखिए 3 टेबल स्पून यहाँ चम्मच मैंने इस डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये दूसरी प्लेट हम रखेंगे इस तरह से, और उसके अंदर भी ये हम डाल देंगे। उसके बाद में हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए। तो चेक करने के लिए एक हम फोक लेंगे और इसके अंदर इस तरह से हम डाल के देखेंगे। ये इसके अंदर चिपक नहीं रहा है, तो ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे कट करके। हैं चीका हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रम काउ मिल्क भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी की कई बीमारियों को दूर करता है, और ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये काफ़ी गर्म होता है इसलिए हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।